सलाम मेरे अजीज लिसनर्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ इज स्पेशली मेड फॉर लवर्स एपिसोड शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनक्रेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड ओका फकत चंद अल्फाज कहना चाहते हैं नज़रों का वो प्याम देना चाहते हैं दें अर्ज ये है इश्क दिल आतिश है मोहब्बत दिलों की कातिल है दीवानगी तो हैवानगी है जुनून मौत का पैगाम है चाहत ने तोड़ दिए हैं दिल हम आपसे ये कहना चाहते हैं जान पढ़कर तो सब रोए हैं उम्रों में कुछ नहीं रखा मान गए हैं ये सब आप एक बार हाँ कह दें हम सीधा निकाह करना चाहते हैं काउंटर से टेक लगाए वो गुनगुना रहा था जबकि सिमी जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी अभी कुछ देर पहले ही आलिम और ऐन के जाने पर सिमी अपने रूम सोने के लिए गई थी पर अभी कुछ मिनट्स ही गुजरे थे कि वो उसके रूम के दरवाजे पर मौजूद था सिमी ने गुस्से नागवारीत से पूछा तो उसने मासूमियत से कहा कॉफ़ी बना दें और उसने उसके सही सलामत हाथों की जानब इशारा किया कि वो समझ कर सर हिलाता वहां से चला गया और सिमी समझी कि बात समझ आ गई होगी अभी उसे आंखें मूंदे कुछ देर ही गुजरी थी कि वो फिर उसके रूम के सामने मौजूद था और थप्पड़ मारने की पूरी नीयत से निकली थी पर उसकी खून बहाती हथेली को देखते उसके औसान खत्ता हो गए वहां गहराई से कट दिया गया था कि सिमी बौखला कर उसकी कलाई पकड़े अंदर लाई और उसे कोस्ती आलिम को बताने की धमकियां देती पट्टी करने लगी तब फिर से उसने कॉफी का कहा और सिमी अब उसके हाथ का कह नहीं सकी थी तभी पाओ में स्लीपर पहनकर वहां से निकली रिमशा तो कुछ देर पहले ही आलिम से इजाजत लेकर चली गई थी और अब खुद के जाने के अलावा कोई चारा नहीं था वो आई तो पीछे पीछे वो खुद भी आ गया और अब उसकी बकवास सिमी का दिमाग खोल उठा क्या बकवास है ये चीख कर बोली मोहब्बत है ये सिमी जी आप क्यों नहीं समझ रही छोड़कर मैदान में उतर आया पूरी के साथ सिमी उसके तेवर देखकर घबरा गई देखो आ रही इंसान समझने की कोशिश करो मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी मेरी उम्र काफी बड़ी है तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो अच्छी जिंदगी गुजारोगे मैं कुछ नहीं दे सकती तुम्हें क्यों नहीं समझते मेरी बात वो कहती आखिर में चिल्ला उठी कि खामोशी से सुनता आरिब गला खंखारने लगा मुझे ना आपकी उम्र से गर्ज है न जिस्म की तलब बस मुझे आपसे शादी करनी है तो चाहे कुछ भी हो मुझे समिया आलिम से ही शादी करनी है वो अपनी ब्राउन आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर बोला कि सिमी का सांस रुक गया रही बात इज्जत की तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं इतनी जितनी मैं खुद की भी नहीं करता मैं चाहता हूँ आप मुझे सिर्फ हां में जवाब दें ताकि जब मैं आलिम से बात करूं तो वो मुझसे नाराज ना हो वो तहमुल से बोला सिमी ने गहरा सांस भरा नहीं नहीं करूँगी तुमसे शादी समझे किसी से भी शादी नहीं करूँगी वह दांत पीस कर बोली और रुख मोड़ कर अपने आंसू पीने लगी आखिर वो क्यों नहीं समझ रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती कहाँ वो नौजवान उम्र का लड़का और कहाँ वो उसकी जबल उम्र की किसी भी एंगल से तो जोड़ नहीं बन रहा था फिर ये क्यों पीछे पड़ गया था अगर अब आपने इनकार किया तो सिमी जी मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी क्या आप मुझसे शादी करेंगी उसने अचानक वार किया था कि वो साकित सी रह गई जबकि वो पीछे खड़ा उसके सर को देख रहा था आरेब दचके की सूरत हाल से उसने रुख मोड़ कर उसे देखा जिसकी आंखें उसे देखती मुस्कुरा रही थी तुम कैसे कह सकते हो मुझे ऐसे उसकी आंखें डुब डुबा गईं मैं ही कह सकता हूं आपको ये सिमी जी वो उंगली बढ़ाकर उसके आंसू पोर पर उठाता सिमी को देखने लगा जो सुस्तर सी उसे देख रही थी और अगले ही लम्हे उसे लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी जब आरिब ने वो आंसू उसकी आंखों में झांकते अपने लबों पर रख दिया अचानक ही सिमी को ये बड़ा सा किचन तंग पड़ने लगा और वो लब बीच कर सुर्ख रंगत के साथ वहां से जाने लगी थी कि एकदम आरिब उसके सामने आ गया नतीजतन वो बुरी तरह उसके सीने से टकराई थी कि दोनों के वजूद में करंट सा फैल गया वो दोनों बर वक्त खुद को संभाल कर पीछे हटे ये क्या बदतमीजी है जगह दो उसने घूर कर कहा आरिब लापरवाही से कंधे उचका गया मुझे पहले जवाब दे वैसे आपके आंसू काफी नमकीन है वो मुस्कुरा कर बोला सिमी बेबसी से उसे देखने लगी तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं आलिम को बताऊं। आज मैं उसे जरूर बताऊं। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि एकदम आगे बढ़ते आरिप ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया सिमी की आंखें पूरी फैल गईं और उन सब्ज नैन कटोरों में देखते आरिफ हल्का सा हंसा था प्यार करता हूं आपसे ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही आलिम को बताएं या अब सारी दुनिया को शादी तो मैं आपसे ही करूंगा आपके लिए मरना ही क्यों ना वो दोनों अभी अपनी आंखों में देख रहे थे खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि अचानक नोटिफिकेशन सायरन बजने लगा। उसकी बात अभी अधूरी ही थी कि लाउंज की छत के कोने में लगी सुर्ख बत्ती अपनी मखसूस आवाज के साथ जलने लगी आरिफ की आंखें फैल गईं। वो सिमी पर एक नजर डाले उसका गाल थपथपाकर वहां से भागा और अपने ऑफिस में आकर कंप्यूटर चेक किए तो उसका दिमाग माउफ होते होते बचा किसी ने हैक कर लिया था उन्हें पर किसने ओ माई गॉड कहीं आलिफ की वॉच घबरा कर सोचते वह चेयर घसीट कर दीवार गिर कंप्यूटर के सामने बैठा और सामने रखे कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा सिमी मुसलसल सायरन से घबरा कर उसके पीछे आ गई और अब ऑफिस और कंप्यूटर के सामने बैठे रब को देख कर हैरान रह गई जो पता नहीं किन किन चीजों से उलझ रहा था वो अभी हैरान परेशान देख ही रही थी कि अचानक फिजा में जहाँ फायरस की ठाक ठाक करती आवाजों के साथ आरिब की गुस्से भरी धाड़ ने उसे अंदर तक सहमा दिया मैंने उसे कहा था बहुत संभालना पर नहीं सारा सिस्टम हैक करवा लिया गुस्से से गुर्राते उसने अपना मोबाइल निकाला और सिमी की कलाई अचानक पकड़ते उसे अंदर कर लिया वो इस कदर हवास पाखता थी कि अचानक इस अफ्ताब पर उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था खामोश सी आरिफ के साथ खड़ी सहमी हिरनी लग रही थी हाँ आरिफ दूसरी तरफ आलिफ की मसरूफ सी आवाज आई कहाँ गई तुम्हारी घड़ी आलिफ वो गुर्राया आलिफ ने चिटक कर सुना और फिर ना गवारी से टोका। ये क्या तरीका है बात करने का आरिफ तरीका बाद में सिखाना पहले तुम्हें आलिम छोड़ेगा तब ना तुमने अपनी वॉच कहा स्टेशन में क्या कर रही है आलिफ एक मिनट क्या बकवास कर रहे हो वॉच तो मेरे पास है तुम पागल तो नहीं हो गए हो वो बाहर क्या करेगी मेरे सामने मेरी टेबल पर रखी है मैंने कल ही नूर से ले ली थी वो जताकर बोला और ब्रश फेंक कर अपनी घड़ी के पास आया और उसे गौर से उठाकर देखने लगा पल को उसकी आंखें सुकड़ी दूसरे ही पल उसे जोरदार धचका लगा कि वो साकिद सा उस वॉच को घूरता रह गया आलिफ तुम्हारे भाई को पता लग गया है भागो वहां से यहां भी फायरिंग हो रही है जल्दी निकलो बाहर फास्ट आरिफ ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जबकि आलिफ वहीं खड़ा था घड़ी को देखता बुत बना नूर मुसलसल बजते मोबाइल ने कमाल साहब और उनके साथ बैठे सब लोगों को मतवजा कर लिया आलिम ने नागवारीत से इस वक्त मुदाखलत करते बंदे को सोचा और मोबाइल निकाल कर देखा तो अन नंबर से कॉल आ रही थी वो एक नजर सामने बेडरूम पे डालकर आस पास शोर शराबे से तंग आकर उठा सुनो मेरी बीवी सामने वाले रूम में है ख्याल रखना मैं दो मिनट में आता हूँ कुछ सपाट सर लहजे में कहते वो निकला कि पीछे वो झट से सर हिला गए जबकि आलिम मोबाइल था मैं वहां से साइट पर आ गया कि ऐसी भी क्या आफत दो मिनट के लिए भी नहीं बंद हो रही थी कॉल दूसरी तरफ ऐसा कौन सा बंदा था जो उसे इस जुर्रत के साथ ऐसे बदतमीजी से मुसलसल कॉल्स करे वो लॉन में एक साइट पर आ गया जहां आवाज कम सकूत ज्यादा था बोलो मोबाइल कान से लगाते उसने अपने रोब वाले लहजे में दूसरी तरफ से कहा सर सईद आलिम वो घर पर अचानक कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और सिमी को गोली लगी है आरिफ भी काफी जख्मी हो गया है मैं अभी आई हूं सर रोती हुई रिमशा कानों को चीरती फायर्स की आवाज में चीख कर बता रही थी क्या बकवास है सुनकर कुछ पल तो वो बोल ना सका और जब बोला तो आवाज़ में ऐसी घनगरश थी कि इंसान की रूह कांप जाए मुझे बचा लें सिमी को आरिफ को बचा लें वो हलक के बल दर्द से घुराई और सईर को लगा उसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े हों सिमी उसकी धड़कने बढ़ गईं। क्या इस बार उसके पास होकर भी उसकी बहन को तकलीफ़ पहुंचेगी उसकी मौजूदगी में उसकी बहन तकलीफ़ उठाएगी मैं आ रहा हूँ पहुँच रहा हूँ दो मिनट वो धाड़ कर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट करते मुड़ा तो पीछे कमाल साहब को खौफ सदा खड़ा पाया सब ठीक है सही आलिम क्या हुआ वो घबरा कर उसके बिफरे रूप को देखते पूछने लगे जिसकी सफ़ेद रंगत से खून टपकने लगा था जैसे सब ठीक है मेरी बीवी का ख्याल रखना मैं दो मिनट में आता हूँ दाद को कहना उसका पूरा ख्याल रखे मैं अपने गार्ड्स भी बेच रहा हूँ बता दूँ पहले ही अगर उसे खराश भी आई तो अच्छा नहीं होगा यहां से जाओ और सीधा दांत से कहो हुरुल एन के पास रहे गो फास्ट वो सर लहजे में ठहर कर बोला तो बौखलाए हुए कमाल साहब सर हिलाते पीछे की तरफ भागे और सईद एक नज़र सारे माहौल पर डालकर अपने आदमियों को कॉल करता वहां से भागने के अंदाज में निकला उसे उम्मीद थी बुरहान और दाद की मौजूदगी में उसकी बीवी पर आंच नहीं आएगी और अब तो उसकी बहन के रूम में थी उसके पास और कुछ ना सही तो उसे लोगों की बातों से तो वो बचाएगी जब तक वो वहाँ पहुँचेगा जहाज की रफ़्तार से उसकी स्या लंबी गाड़ी अलवी बिला से निकली दिमाग दिल पर सिर्फ उसकी बहन छाई हुई थी और दूसरे हाथ से वो बार बार आरिफ को कॉल्स कर रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था उसे मज़ीद टेंशन होने लगी अब इस सब में वो सिर्फ़ एक साथ को ही याद कर सकता था कि अब उसकी बहन को किसी आजमाइश में ना डाले वरना नहीं जी सकेगा अब तो मैंने कॉल कर दी है अब मुझे आजाद कर दो जाने दो मुझे अपनी मोहब्बत की अपने हाथों से बर्बादी पर वो फूट फूट करोती रिमशा गिड़गिड़ाई थी और उसकी गिड़गिड़ाहट पर सामने बैठे वजूद कह कहाँ लगा उठे या, या मैंने क्या कर दिया एक तो अपने हाथों से उस एसपी को अपनी मोहब्बत की सच्चाई बताई दूसरा अब जान बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी खुशियाँ तबाह कर दी मैं सच में सैर आलिम आपके लायक नहीं आप मुझे कैसे माफ़ करेंगे अब मैं कैसे खुद को माफ़ करूंगी आपकी बर्बादी पर वह दिल में सोचती फूट फूट रो रही थी सामने उसके मामा मामी चेयर पर बंधे बेजान पड़े थे जबकि उसकी कज़न एक शादी अटेंड करने गई थी ये भी शुक्र अल्लाह का था कि वो वहाँ मौजूद नहीं थी वरना पता नहीं क्या होता वो कुछ देर पहले ही यहाँ घर पहुँची थी उसे देखते ही मामा मामी के माथे पर बल पड़ गए जैसे वो अपने घर नहीं उनके घर आई हो उसका दिल किया वापस भाग जाए सैर आलम के घर जहाँ वो खुशी से सांस ले सकती थी जी सकती थी उसकी मौजूदगी में पर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसका दिल उसे चैन से रहने नहीं देता था जब जब वो सैर के करीब उस लड़की को देखती थी वो कभी खुशी से नहीं रह पाती थी और शायद ये उस लड़की का ही कसूर था जिस वजह से वो अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ दे चुकी थी अभी उसे घर आई कुछ देर ही हुई थी कि अचानक से घर में ब्लैक सूट बूट में दराज कद वाले आदमी अंदर घुस आए और उन्हें अपने हथियार से हरासा करके उसके मामा मामी को उसके सामने चेयर पर बांध कर उन पर गन पकड़े खड़े हो गए थे और उसे सामने बिठाया गया जब ही ग्रे सूट में दरास कद का बड़ी एज का एक सुरखों सफ़ेद रंगत वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसके मुंह में सुगार दबा हुआ था उसे देख कर ना जाने क्यों रिमशा के अंग अंग में खौफ की लहरें उठी वो हरासा पहली खौफसदा आंखों से उस मकर मुस्कुराहट वाले हैवान को देखने लगी कुछ भी कहने से पहले ही उसके मामा की टांग पर फायर किया गया और उसे मोबाइल थमा दिया गया कि वो सईद को कॉल करे और कहे कि उसकी बहन मुसीबत में है उसे गोली लगी है उसने तड़प कर इंकार किया क्योंकि वो परेशान हो जाता और कुछ उल्टा सीधा जरूर होता तभी वो भड़क कर इंकार कर गई पर उसे क्या पता था कि उसका इंकार उसके मामा की दूसरी टांग को भी नकारा कर देगा उसे मजबूर कर दिया गया उसके बाजुओं पर कट मार कर उसके पाव के नीचे जलते शोले रखकर कि वो खौफ सदा होकर रोए जा रही थी और उनका काम आसान हो गया और वाकई उसकी ना ना उसके पाँव की जलती स्किन उसे मजबूर कर गई कि वो करे सब कुछ जो वो करवाना चाहते थे फिज़ा में उठती उसकी चीखें साथ स्किन के जलने की बू वो सामने बैठा मज़े से उसे देख रहा था कि उसे चीख चीख कर हाँ करना पड़ा कि वो करेगी कॉल ऑलिब को शाबाश हमें मालूम है ज़िंदगी में बड़ी कशिश है मोहब्बत से ज़्यादा पर यह कशिश मुझे फीकी लगती है क्योंकि ब्लाइंड ब्यूटी मेरे पास नहीं वो अपनी चमकती मकरू आँखों से हर को याद करता हुआ बोला वो सिर्फ़ उसकी पहली मोहब्बत नहीं उसका जुनून थी उसे हासिल करना कहर जमान का जुनून बन गया था कि कैसे भी करके उसे ब्लाइंड ब्यूटी हासिल करनी ही थी उसे हासिल करके किंग को नीचा दिखाना था जो उसने शुरू में शुरुआत करके कहर जमान को दिखाया था और फिर वो कर गई जलने से बचने के लिए वो जो उसे नहीं करना चाहिए था उसने अपना मोबाइल उठाया और आलिम को कॉल करने लगी उसकी हिचकियां बंद गईं चीखों पर हलक में खराशें पड़ गई थीं उसने अपनी किस्मत पर रोते हुए कुछ कॉल्स के बाद उसके बोलों को दिल के तह खानों में उतारते रोते भारी आवाज में कहा था कि सिमी को गोली जबकि जख्मी हो गया है सब कुछ कहर जमान के प्लान के मुताबिक हुआ था वो बात करने लगी थी कि फिजा में ठा ठा की आवाजें उसके कानों के पर्दे फाड़ गए और निशाने उसका मामा मामी थे जिनके चेहरे पर गोलियों के सुराख देखते उनसे खून रिश्ते देखकर वो बुलंद चीख मारती कहर जमान की गन के निशाने पर उसे कहने लगी कि सिमी को बचा लो वक्त वापस वहीं आकर खड़ा हो गया था जहां ब्लाइंड ब्यूटी ने सिमी को बचाने के लिए एक बीस्ट के कदमों में आखिरी सांसें लेना चाही थी और आज मोहब्बत में सिसकते जलते वजूद ने अपनी आंखों के सामने अपनों को गंवाते हुए उससे झूठ बोला कि सिमी को बचा लो दोनों ही मोहब्बत की मारी थी एक शहजादे के इंतजार में बीस्ट के सामने झुकी थी अपनी अजीज जान को बचाने के लिए जबकि दूसरी बीस्ट से मोहब्बत करती शहजादे को धोखा दे बैठी थी सर इसका क्या करना है बेहोश पड़ी रिमशा को देखते उसके आदमी ने पूछा धड़कते दिल से जमान हुरुल एन का सोचते सर हिला गया छोड़ दो इसे बीस्ट के लिए गिफ्ट कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी है पर कहर को ब्यूटी के अलावा कोई नहीं भाती खुशी से कह कहाँ लगाते वो बोला और एक भरपूर नजर इमशा के सरापे पर डालते वहां से निकला उसके कदबों में रफ्तारी थी वो जल्द अज जल्द ब्यूटी के पास जाना चाहता था और गाड़ी में बैठते ही उसके मोबाइल पर मतलूबा कॉल आने लगी उसने देखते फिर से कह कहाँ लगाया योर एजेंट इज कमिंग इनोसेंट ब्यूटी गाड़ी घर से रुख मोड़ चुकी थी और एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ अलवी बिला के लिए रवाना थीं नूर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही मैं कब से खामोश बैठी हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे हूर उगता कर बोली नूर ने मोबाइल से नज़रें हटाकर उसके चेहरे को देखा और फिर लॉक डोर को देखा सिर्फ दो मिनट छूर फिर हम आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे वो दिल में बोली वहाँ होंगे जहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा मैं तुम्हारी आंखों का नूर तुम्हारी जिंदगी की खुशी बनूंगी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं तुम इस हैवान की नहीं ना ही मैं उस गुंडे की हूँ उसने मुझसे वादा किया है वो हमें यहाँ से ले जाएगा और सुकून वाली जिंदगी देगा मन ही मन में मुस्कुराती वो हूड़ के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोसा दे गई नूर हूर ने नम आंखों से उसके प्यार पर कुछ कहना चाहा कि तब ही बाहर बुरहान की धाड़ें आलिफ के रूम पर से आती सुनाई दी। मैं कह रहा हूँ दाद दरवाज़ा खोलो वरना बहुत पछताओगे जवाब दो मुझे इस सब का क्यों किया तुमने आखिर ये सब जवाब दो दरवाज़ा खोलो वो धाड़ता दरवाजे पर लाते रसीद कर रहा था जबकि हुत से सुन रही थी अलबत् नूरुल एन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं वहशत का सांप फिर से कुंडली मार कर सीने पर बैठ गया वो कप कपाती बंद दरवाजे को देख रही थी जहां कमाल साहब की बुकारी थी जबकि दूसरी तरफ बुरहान था आलिफ के रूम के पास वो मजबूत नहीं थी काफी डरपोक थी और अब तो इस सूरत हाल से उसकी जान निकल रही थी अल्लाह हमें इनसे बचा नहीं या अल्लाह हम मासूम हैं हमने कुछ नहीं किया वो रोती हुई खामोश बैठी हूर को देखती मुंह पर हाथ रखे बोली ये क्या कह रहा है नूर बुरहान को क्या हुआ है और तुम दरवाजा तो खोलो ताया अबू हैं दरवाजे पर पागल वो उठने लगी कि नूर ने लरस्ते एकदम उसे थाम लिया नहीं यहीं बैठी रहो हूर आज तुम्हारी आजादी का दिन है इन्हें छोड़ दो इन्होंने हमेशा हमें तकलीफें ही दी हैं मत सुनो इनकी वो सी सकती हुई बोली कि हूर कुछ समझ ना पाई आलिम आप सुन रहे हैं मुझे घबराहट हो रही है मुझे बाहर निकाले यहां से वो अपनी गर्दन पर हाथ रखती हरासा होकर बोली नूर दरवाजा खोलो मुझे आलिम के पास जाना है प्लीज वो तड़प कर खड़ी हुई और बेचैनी से बोली कुछ नहीं हो रहा मेरी जान तुम बैठो यहां सब ठीक है अभी उसका अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि धाड़ से खिड़की का पट खुला और आलिफ अंदर कूद कर रूम में दाखिल हुआ हूर और नूर ने हरासा होकर खिड़की की सिम देखा वो अंधेरे की रानी क्या देखती खामोशी से परेशान खड़ी रही जबकि नूर के आसान खता हो गए वो खौफ सदा सी पीछे हुई घड़ी कहाँ है नूरुल एंड? सुर्ख अंगारा आँखों से वो ब्लैक बनियान अपने चौड़े सीने पर पहने उसके सिमत बढ़ता सर्द लहजे में पूछने लगा कौ कौ कौन सी घड़ी वो रोती हुई हकला कर बोली और उसे वहशत से भरी आंखों से देखने लगी उसका पूर पूर उसे देखकर सुन पड़ गया था टांगे शल हो गई थी अप मेरी घड़ी कहां है जो मैंने यहां रात को रखी थी और फिर मुझे ये उसकी जैसी दूसरी मिली कैसे किया तुमने ये सब कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ धोखा दिया है तुमने आलिफ को चीट किया है दाऊद को एक जस्त में फासला खत्म करते उसने गुस्से से धाड़ते उसे दोनों बाजुओं से जकड़ लिया छोड़ो मुझे जाने दो रोती हुई खुद को छुड़वाने लगी जवाब तो किसके साथ मिली हुई हो इडियट वो गुर्राया था और उसे झंझोड़ कर रख दिया नहीं बताऊंगी मार दे मुझे तुम जैसे हैवान को फांसी तक पहुंचा कर रहूंगी खूनी हो तुम गुंडे हो धोखे बाज इंसान हो इंसान होकर इंसान को मारने वाले आदमखोर हो वो भी गला फाड़ कर बोली हूर सुन होते दिमाग से खौफ से नीली पड़ती वही खड़ी कपकपा रही थी आलिम आ जाए मुझे डर लग रहा है वो दाऊद और नूर की चीखों पर सहमी हुई थी और सरगोशियों में उसे बुलाती अब आयतल कुर्सी का विद करने लगी चटाक! दूसरे ही पल जोरदार थप्पड़ की आवाज रूम की फिजा में गूंज उठी तुम मुझे धोखा दोगी अपने दांत को मेरा एतबार तोड़ोगी मुझे तकलीफ पहुंचाओगी चीखता उस पर और उसका जबड़ा मुट्ठी में जकड़ गया तैयार रखना खुद को मेरे इंतकाम के लिए मुझे तो बर्बाद कर दिया बोनी अब अपनी बर्बादी का सोचना। कि आलिफ धोखेबाजी पर क्या सजा देता है उसके चेहरे को बिल्कुल अपने सामने करते उसकी फैली आंखों में देखता वो घुराया था जबकि बाहर आसिया बेगम कमाल साहब बी सबकी धाड़ी थी कि वो क्या कर रहा है उसके साथ बुरहान लातों और कंधों के वार से डोर का लॉक तोड़कर जब उसके रूम में दाखिल हुआ तो पहले ही उसे वहां से गायब पाया आलिफ वो धड़ा और बाहर निकला के पास वाले रूम से आलिफ की आवाजें सुनाई थी और वो चौंक उठा सर हमने सारे गेस्ट को निकाल दिया है और घर को भी घेर लिया है अरमान एस एच ओ भागते हुए उसके पास पहुंचे नूर हूर दरवाजा खोलो वो अपने माँ बाप को पीछे करता खुद दरवाजा तोड़ने लगा ये क्या कर रहे हो बुरहान पागल हो गए हो कमाल साहब उसका बाजू और पीछे पागल नहीं हो गया बल्कि होश में आ गया हूं। पूरा साल जिस हैवान को ढूंढता रहा वो मेरे ही घर में मासूमियत का चोला पहनकर दरिंदगी करता रहा और मैं उसके काटे हुए टुकड़े उठाता रहता था वो बोला नहीं था कि कमाल साहब को लगा उनका दिल बंद हो जाएगा वही आसिया बेगम अपने मासूम बेटे पर इल्जाम भाई भाई को दुश्मन बना देख कर सीना थाम गई थी कि बी ने बड़ो वक्त उन्हें संभाला वरना वो जरूर जमीन बोस हो जाती क्या बकवास है दिमाग खराब है जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हो उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर फेंकने के अंदाज में वो घुर उसने तंजिया कह कहा लगाया अबू हो गए हम उस मासूम इंसान के हाथों बेवकूफ बना लिया उसने सबको बेवकूफ मगर अब नहीं वो कोई और नहीं आलिफ है आलिम का आदमी वही गुंडा जिसने इतने खून किए हैं लोगों को काटा है कह कहा लगाते उसने अपने बाप को पीछे किया और अरमान एस एच ओ को इशारा किया जो दरवाजे पर टूट पड़े आलिफ ने रोती कांपती नूर को देखते हूर को देखा घबराओ नहीं गुड़िया आलिम यही होगा वो तुम्हें ले जाएगा यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, खामोश हो जाओ वो उसका कामता वजूद मोहब्बत से साथ लगाते सर पर बोसा देकर नूर को देखा जो हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी दुल्हन के सरापे में वो दांत को इस कदर जहर लगी कि दिल किया उसके वजूद से नोच कर अपनी सजावट को उतारे बुरहान के साथ मिली हुई हो ना याद रखना भूलूंगा नहीं मैं तुम्हें सिर्फ दो दिन दरवाजे को टूटते देखकर वो खिड़की की तरफ जाता हुआ बोला और उस पर एक आखिरी नजर डालकर वहां से नीचे पाइप पर उतर गया उसी पल ठा के साथ दरवाजा खुला के हूर और नूर की चीख निकल गई बी ने भागते हुए आगे बढ़ते हूर को आगोश में भरा जो सांस मुश्किल से ले रही थी जबकि रोती हुई नूर शिकायत करती नजरों से बुरहान को देखती रही जो खिड़की को देख रहा था चलो उसने सर्द लहजे में हुक्म दिया बुरहान बेटे वो तुम्हारा छोटा भाई दांत है आसिया बेगम ने रोते हुए एहसास दिलाया कुछ नहीं मेरा वो एक मुजरिम है और उसे वजह बयान करनी होगी अगर उसने सच में ये रास्ता चुना है तो मैं उसे फांसी तक खुद पहुंचाऊंगा जिसने पता नहीं कितने मासूम यतीम किए हैं गरज कर कहता वो हुरुल एन पर आखिरी नजर डालकर वहां से निकला पीछे वो बेदम होकर नीचे बैठ गई मर क्यों नहीं जाता मैं मेरे भाई की बदुआएं हैं मुझ पर आज मैं बर्बाद हो गया मेरे पास कुछ नहीं बचा कमाल साहब की धाड़े अरूज पर थी दफातन बाहर फायरस होने लगे हूर आलिंग की सदा लगाए रोती बी में छुप गई जबकि नूर के चेहरे पर रौनक आ गई वो अब चली जाएगी अपनी बहन के साथ यहाँ से उसने हूर को देखा और सोचा माय ब्लाइंड ब्यूटी सीटी की धुन के साथ लाउंज में जोरदार कह कहा गूंजा मम्मा सुन कर अचानक चीखती वहशत जदा सी कहर जमान की आवाज़ पर धाड़े मारती खुद को नोचने लगी आलिम आलिम मुझे बचा लें वो आ गए आलिम मुझे नहीं बनना रखेल उसकी चीखों पर नूर के साथ सबको साँप सूंख गया जबकि वो हाथ पैर मारती अपने बाल नोचती पीछे को खिसक रही थी कदमों की धमक सीढ़ियों की तरफ आई और हूर को लगा वो आखिरी सांसें ले रही है मुझे नहीं जाना पापा वो सिसकती नफी में सर हिलाती रही तभी गर्दन उसकी एक तरफ को लुढ़क गई मुझे बहुत डर लग रहा है आरिफ तुम जल्दी से आलिम और शहजादी को बुला लो जल्दी करो मेरा दिल फट जाएगा सिमी रोती हुई बोली कुछ नहीं होता आप लेट जाए मैं बुलाता हूँ दोनों को वो उसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटा कर बोला अगर गोलियाँ यहाँ आ गईं तो उसने डर कर पूछा आरिब उसको नहीं आएंगी क्योंकि घर बुलेट प्रूफ है इतनी आसानी से नहीं बना वो कहता उस पर कम्फर्टेड दुरुस्त करने लगा तुम आलिम को कॉल करो जल्दी वो घबराई हुई बोली ओके वो कहकर उठा कि सिमी बिदक कर बेड से उठ बैठी और घबरा कर आरिफ की कलाई थामी यहीं कॉल करो यहाँ मोबाइल नहीं ऑफिस में रखा है दो मिनट करके आता हूं आप यहाँ सेफ हैं वो उसका हाथ थपथपा कर बोला सिमी उसका लम्स पाकर मचल कर हाथ खींचती जल्दी से सहेला गई ठीक है जाओ जल्दी उसने नजरें फेर कर कहा आरिफ मुस्कुराता वहां से निकला उसके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि आलिफ बच गया हो वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने से भागते अंदर आते शरीर को देखा फायर्स कब के रुक चुके थे शायद वो सिर्फ उन्हें हरासा करने के लिए थे सिमी सिमी मेरी जान कहां हो तुम वो अंदर दाखिल होते मचलते हुए धाड़ा की बोखलाई सी सिमी उसकी धाड़ पर जल्दी से भागती हुई बाहर को आई और अब आलिम दोनों को हैरत से देख रहा था तुम दोनों ठीक हो वो ना समझी से देखता पूछने लगा आलिम शहजादी मेरी शहजादी कहाँ है सिमी उसे अकेले देख कर बोली और सैर का पहाड़ नुमा वजूद हवा होने लगा उसके जर्द रंगत पर आरिब का दिल धड़कना भूल कर सुस्त पड़ गया कुछ ऐसा मत कहना कि तुम उसे छोड़ आए हो आलिम आरब अचानक गुराया। वो होश में आया और अपनी बहन की पहली आंखों को देखा मैं उसे खो नहीं सकता उसने बेबसी बताई और कदम पीछे लिए कानों में जिंदगी से खिलखिलाते गूंज उठी मत कहना ये कि तुम उसे खो आए हो। आरिफ जख्मी शेर की तरह गरजता बाहर की तरफ भागा कि उसी पल सईद ने उसका हाथ पकड़ लिया मत कहना यह कि तुम उसे खो आए हो। आरिफ जख्मी शेर की तरह गरजता हुआ धाड़ा बाहर की तरफ भागा कि उसी पल सईद ने उसका हाथ पकड़ लिया मेरी जिंदगी का ख्याल रखना उस सिमी की वेरान आंखें देखता जख्मी सा मुस्कुरा कर बोला मुझे माफ करना हर भाई ऐसा होता है उसने हंसते हुए कहा और उल्टे कदमों से मुड़ा उस डॉक्टर के सो टुकड़े करना आरिफ ये मेरा आखिरी हुक्म है तुम पर वो साकेत उसकी पुष्ट को देखते रहे जो नजरों से अचानक हवा के झोंके की तरह गायब हो गया माई ब्यूटी मकरूह मुस्कुराती आवाज के साथ उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पट को खोला रूम में मौजूद कमाल साहब उस अनजान को यूं अंदर दाखिल होते देख कर बिफर गए कौन हो और अंदर कैसे आए वो आगे बढ़े जबकि जमान मुस्कुराती नजरें दुल्हन बनी नूर के पूरे सरापे पर भरपूर डालता अपनी ब्यूटी को ढूंढने लगा ब्यूटी देखो मैं आ गया मेरे पास आओ वो तमस्कुरा उड़ाता बोला और नूर इस अनजान को सामने देखती वहशत ज़्यादा थी उस शैतान जैसे शख्स को देखते उसके असाब शल होने लगे थे ये कौन था और ऐसे कैसे अंदर आ गया था बाहर शीद मुकाबलाबाजी हो रही थी पुलिस और जमान के आदमियों के बीच और खुद उन्हें मुकाबले के लिए छोड़कर उन दोनों को जल्द अज जल्द वो यहां से ले जाना चाहता था कमाल साहब की बात तो उसने जैसे सुनी ही नहीं थी बल्कि बेताबी से अबूर के वजूद को ढूंढ रहा था जो बी के भारी भरकम वजूद के पीछे थी जिस पर जमान की नजरें नहीं पहुंच रही थी उसका पहले ही प्लान तैयार था जब से उसने हुरुल एन को देखा था उस दिन से उसकी नजरें उस पर ही थी और वो हर हर हरकत पर नजरें टिकाए बैठा था उसका दूसरा प्लान था आलिम के घर से हुर को निकालना पर वहां इस कदर सिक्योरिटी थी कि एक चिड़िया का घुसना भी नामुमकिन था और फिर उसने आलिफ पर नजरें रखी जहां उसे जल्द ही उसकी कमज़ोरी सामने और बगावत की बू आ गई नूरुल एन, जो आलिफ से अनजान थी और उसे सईद आलम उसके आदमी आलिफ से सख्त नफ़रत थी उसका ही जमान ने फ़ायदा उठाया और उसका नंबर हासिल करते उसे जल्दी से यकीन दिलाकर कब्ज़े में कर लिया और वो तो जैसे आज़ादी की आहट पर बैठी थी जल्द ही उस नाम नेहाद एजेंट के कब्ज़े में आ गई और फिर जैसे जैसे वो कहता गया वो फर्मा बर्दारी करती गई क्योंकि बहुत मासूम थी दुनिया की स्याही से अनजान जो उसकी बहन झेल चुकी थी वो चाहता था इस एसपी को बर्बाद कर दे जिसने उसे बर्बाद कर दिया था पर उस आलिम और उसके आदमियों ने उसे हर जगह बचा लिया हर जगह से नाकाम होते उसने सिर्फ आलिफ की शादी का इंतज़ार किया था और उसकी खुशकिस्मती के वो भी जल्द ही हो गई और अपनी इस मासूम पार्टनर के हाथों आलिफ को हटाया घर से बुरहान को उसके पीछे भेजा प्लान के तहत आलिम को रिमशा के वसीले निकाला और अब खुद मंजिल पर खड़ा था कौन हो तुम लठे की मानंद सफेद पड़ती रंगत से वो सुन वजूद के साथ उसे देखती पूछने लगी समान ने मदाखलत पर कुछ नागवारियत से उसकी तरफ देखा और उस हैवान का देखना कुछ इस तरह था कि वो रूह तक लरस उठी मुझे नहीं पहचाना। उसने मसनु हैरत से पूछा नूर खौफ से अपनी बहन की हालत और कमाल साहब सबकी नजरें अपनी तरफ देख कर रोने जैसी हो गई कौन हो दफा हो जाओ मैं नहीं जानती आपको जबान संभाल कर उसके बोलने पर वो इस कदर जोर से गुर्राया कि सब के सब सहम के रह गए हो कौन भाई निकलो पागल हो गए हो कमाल साहब बाहर शीद फायरिंग के आवाज पर गुस्से से धाड़े होने वाला दमात ब्यूटी का प्रिंस वो कह कहा लगाता बोला नूर ने वहशत जदा होकर हुरुल एन की तरफ देखा और उसके ताकुब में जमान ने भी देखा पीच कलर का उसका आंचल और शूज में मुकीद पाऊ उसमें पहनी पाजेब देखते ही उसकी शैतानी आंखें चमक उठी बल्कि लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई उसने मचलते दिल को संभाला और उसके पूरे वजूद को देखना चाहा कि सामने ही बी को पाया खबरदार मेरी बहन की तरफ देखा भी तो वो गुर्रा कर कहती हूर की तरफ भागी और उसके सर को खुद में छुपा लिया उसे तो उस पाक एजेंट का इंतजार था यह हैवान कहां से आ गया था जिसकी आवाज सुनते उसकी बहन चीख चीख कर हवास खो बैठी थी सालों पहले हूर का ब्लाइंड ब्यूटी से इंकार कि वो ब्लाइंड ब्यूटी नहीं और आज उस हैवान का ब्लाइंड ब्यूटी कहना और उसकी बहन की ये हालत क्या बयान कर रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था बस दिल कर रहा था यह शैतान नजरों से दूर हो जाए जिसे देखते ही खौफ की सर्द लहर वजूद में उठ रही थी बुरहान कहां चला गया था क्या वो दांत के पीछे भाग गया था और उसे बचाने के लिए एजेंट क्यों नहीं आ रहा और ये इसे पार्टनर क्यों कह रहा था कुछ भी तो वो चाह कर भी समझ नहीं रही थी सिर्फ खौफ से कमाल साहब को देखती हिचकियां लेती अपनी बहन का सर सीने में छुपाए बैठी थी दूर रहो मेरी बहन से मैं इसे किसी को नहीं दूंगी वह चिल्लाती अपने पहने दुपट्टे से हूर के वजूद को छुपाने लगी मम्मा पापा हम दोनों को भी बुला लें वो सीसक उठी इनोसेंट ब्यूटी क्यों वो अकबर बात कर रही हो हटो पीछे चलो मेरे साथ शाबाश और तू भी बुढ़िया हट सामने से उसने बी को कहा जो हरासा उसे देख रही थी कोई नहीं हटेगा बकवास बंद करके निकलो वरना सही आ गया तो आग लगा देगा तुम्हें कमाल साहब भिपर कर घुर जिसे सुनते जमान कह कहा लगा उठा ऐसे ही आ जाएगा उसने कहर जमान से उसकी ब्यूटी छीनी है उसने धोखा दिया है मुझे मेरी ब्यूटी को उठा कर ले गया था मैं वहां इंतजार में बैठा रहा कि कब दिन खत्म होंगे और मैं अपनी ब्यूटी को वापस हासिल करूंगा और ये किंग मुझे दगा दे गए पर इस बार नहीं वो जख्मी शेर की तरह गरज रहा था उसके जख्म हरे हो गए थे और ब्यूटी को देखने की तड़प मजीद बढ़ गई पर सामने खड़ी बी को देखते उसके अंदर शोले भड़क उठे मार दो तो, तो मार दो तो, मैं अपनी बच्चियां नहीं दूंगी बी खूनख्वार बनी चिल्लाई और नूर को सीने से लगाए हुरुल एन के आगे दीवार बन गई हा 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 रास्ता मुझे खुद अच्छी तरह से साफ करना आता है कहते हुए कह कहाँ लगाने के साथ ही उसने अपनी गन सामने की और किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर बी के माथे का निशाना लेते फायर किया था ठा के साथ जहां बी के मुंह से अल्लाह की सदा निकली वहीं नूर की दिल दहला देने वाली चीखें थीं। उसने जैसे ही बी का हसार खुद पर कमज़ोर पाया चीख उठी बी बी उठी बी हमें छोड़कर मत जाए वो चीखती एक जानब लुढ़कती बी को रोती झिंझोड़ने लगी दाद, बुरहान उसकी दिल से दाद की पुकार निकली और वो वहशत जदा सी बी के माथे से बहते खून को देखती चीखने लगी जबकि पीछे पड़ी एन के कपड़ों पर भी के खून की छींटे पड़ी थी आप कौन बचाना चाहता है इन्हें? समान कहते एन की तरफ कदम और आसिया बेगम ने खौफ से वहशत जदा होते अपने शोहर को देखा कोई नहीं कोई नहीं बचा रहा ले जाओ दोनों को मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो कमाल साहब के कुछ भी कहने से पहले ही आसिया बेगम बोली जमान नूर को पत्थर का होते देख कर हंस पड़ा आसिया सदमे की तरह कमाल साहब ने उन्हें चुप करें आप मनहूस हैं पूरी की पूरी सबको खा गई हैं पर मैं अपनी फैमिली को उन्हें निकलने नहीं दूंगी चले यहाँ से ये जाने और इनके करतूत वो सफाक बेरहम बनी बोली और कमाल साहब का हाथ पकड़ा जिन्होंने गजबनाक होते झटके से छुड़वा दिया बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से दारते उन्होंने उन्हें आगे दरवाजे की तरफ धक्का दिया और खुद ढाल बनकर अपने भाई की बेटियों के सामने खड़े हो गए मौत की परवाह किए बगैर मैं अंधा था पर मेरे बेटे नहीं अब तक उन्होंने रिश्ते निभाए हैं आज मैं निभाऊंगा और मेरे होते हुए मेरी बेटियों को तुम शैतान छू भी नहीं सकते वो बेखौफ होकर बोले और साकित बैठी नूर बेहोश पड़ी हूर को देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी मासूम बच्चियों के पीछे ये शैतान क्यों पड़ गए जिंदगी में पहली बार उन्हें सही किस समझ आई थी कि वो क्यों जलाता है ऐसे लोगों को यकीनन ऐसे हैवान होंगे जिन्होंने बी की तरह मासूम लोगों को मारा होगा क्या उसके भाई भाभी को भी इस दरिंदे ने मारा होगा सोचकर उनकी आंखों से खून झलकने लगा जबकि सामने खड़ा जमान इस वक्त बर्बादी पर बदमजा हो गया मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी कमाल रोती हुई आसिया बेगम गुर्राई जिस पे कमाल साहब ने बहुत नागवारियत से उन्हें देखा बकवास बंद करो जमान धारता हूर की सिंध बढ़ा कमाल साहब बिफर कर उस पर झपटे तुम निकलो यहां से नूर बेटा भागो मैं बच गया तो जरूर मेरी बेटी को लाऊंगा जाओ यहां से मेरी बच्ची जमान को आगे बढ़ने से रोकते वो नूर से कहने लगे जो पत्थर से बनी वहीं उन्हें देखती रही नहीं नूर मैं तुम दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ मैं तुम्हारा पाक एजेंट हूँ इनोसेंट ब्यूटी हाँ 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 तजह अमेज़ कहते वो कह कहाँ लगा उठा कि उसके अल्फाज नूर के सर पर हथौड़े हाँ की तरह बरसने लगे हूर वो खौफ से पीली पड़ती जमान की शैतानी आंखें देखती खामोश पड़ी हूर को हिलाने लगी हूर? क्या मैंने तुम्हें मारा है बेरब्त सांसों की बंदिश हाथ पांव के ठंडे पड़ने पर वह वेरान अपने सुहाग के जोड़े और हूर को देखने लगी तभी ही फिजा में दिल खराश चीखों के साथ कमाल साहब और आसिया बेगम की आहें गूंज उठी दरवाजे से अंदर दाखिल होते कहर जमान के तीनों आदमियों ने सबसे पहले निशाना कमाल साहब को मुंह खोलते देखकर उसके मुंह कर लिया जो कि ठा के साथ पीछे से खून का फवार नूरुल एन के सजे चेहरे पर सुर्ख गरम लावा बन कर पड़ा अभी वो संभलती या अपने मुंह से खून साफ करती अंधाधुन फायरिंग कमाल साहब और आसिया बेगम पर शुरू कर दी गई थी नतीजतन जहां उनके लहू लुहान वजूद धड़ाम से नीचे गिरे वहीं नूर उनके फड़कते वजूद देखकर हजियाती चीखे मारती पीछे खिसक गई अब वो खुद को क्या कहती अल्लाह ने रस्सी खींची के हूर को जो कहती थी मनहूस खुशियाँ निकलने वाली खुद को तो ये भी नहीं कह सकती थी उसके माँ बाप को तो दरिंदे निकल गए थे और उसने तो खुद ही अपने रिश्तों को निकल लिया सब कुछ खत्म कर दिया उसने अपने हाथों से क्या कुछ कर डाला उसने अपनी बहन को बर्बाद किया ताया ताई बी को मरवा दिया अब वो क्या है कौन उसे अब कहेगा कि वो क्या है क्या दाद उसे छोड़ देगा मैं तुम्हारा सीक्रेट एजेंट हूं ब्यूटी कानों में सरसराती हुई शीशे की तरह पिघलती आवाज गूंजी जबकि नजरों के सामने वो हथियार लेस लंबे, स्याह, देव जैसा आदमी खून से रंगे हाथ वाला खड़ा था और उनके बीच खड़ा वो शैतान उसकी वेरान आंखों में देखता मुस्कुरा रहा था यहाँ आओ ब्यूटी मैं तुम्हें आजाद करवाने आया हूँ उसने बाहें नूर की तरफ फैलाई सत्ता टूटा तो वो फूट फूट कर बी आसिया बेगम कमाल साहब की लाशें देखते नफी करने लगी हमें माफ़ कर दो मैंने झूठ बोला था हमें जाने दो वरना सही दाद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो रोती हुई गिड़गिड़ाई और पास पड़ा शूज़ उठाकर उसे दे मारा जो सीधा उसके सीने पर लगा जबकि खुद बैठी हुई हिचकियाँ भरती लरस रही थी ज्यादा खौफ तो उसे आसिया बेगम की खुद पर टिकी आंखों से आ रहा था जैसे कह रही हूं तुमने हमें बर्बाद कर दिया मनहूस नहीं नहीं है हम मनहूस जाने दो हमें। वो खुद को नोचती घुटी घुटी आवाज में धाड़ी और हंसता हुआ सामान बीच में पड़े बेचान कमाल साहब पर अपना चमकता बूट में मुकीद पाऊं एक उसके सीने दूसरा उसके मुंह पर रखता उसकी तरफ बढ़ा और ये दहला देने वाला हैवान का मंजर देखने की वो कहाँ ता बुला सकती थी तभी ही हूर के साथ खुद भी एक जानब ढेर हो गई उठाओ इसे कहर जमान ने अपने आदमी को इशारा किया जो वहां पड़ी लाशें फलांगता हुआ उस तक पहुंचा और एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपने कंधे पर डाल दिया और जमान अपने सामने पड़ी हूर एन के नकूश पर उंगलियां फेरता उसे बाजुओं में भरते अपनी तड़प पर उसे सीने में छुपा गया अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा ब्लाइंड ब्यूटी उसके वजूद को सीने से लगाते वो लंबे लंबे डग भरता वहां से भागने के अंदाज पर निकले और बिरूनी गेट से लेकर लाउंज तक पड़े अपने आदमियों और सईद के आदमियों और पुलिस वालों की लाशें फलांगते गाड़ियों में बैठे और वहां से जहाज की सी रफ्तारी से निकलते चले गए पीछे दुल्हन की तरह सजा अलवी बिला जरा सी बेवकूफी पर लहू लुहान था सुरख खून गुर्दों मुंह पेट से निकलता फर्श पर बह रहा था जिससे भीगा जमान का बूट सफेद फर्श पर छाप छोड़ गया था अपने कहर में पाँव भिगोए चला गया तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी देखो आज फिर मेरे पास हो वो पीछे बैठा गाड़ी में अपनी गोद में सर रखे हुर एन के चेहरे के खद्दोखाल को छूता उसे ख्वाब नहीं हकीकत मानता मदहोश और खुशी से बुलंदो बाग कह कहां लगा गया देखो पीस्ट किंग देखो अपनी हार को देखो ब्यूटी सिर्फ कहर की है कहर जमान की अपनी जीत पर वो पागल बना हजियानी अंदाज में कह है मारता आहिस्ता से उसके वजूद को खुद में समेट गया जबकि वो अव्वल से अंधेरों में रहने वाली शहजादी अनजान थी कि उस पर कौन सी कयामत टूट पड़ी है कि वो अपने शहज़ादे से बिछड़ गई है उसकी डोर से टूट चुकी हैं और उसे तोड़ने वाले उसके नादान अपने ही थे ज़िद मत क्या करो मेरा बच्चा क्या खाना है मेरी शहज़ादी को एक गंभीर आवाज़ उसकी तारिकी में रहमत खुदा बनकर गूंजी कि बेहोश पड़े वजूद के पंखड़ियों से लबों पर मत्तम सी मुस्कुराहट बिखर गई दिल खुद बहुत उससे ज़िद करने लगा और मन तन बड़े लाट से उसके नरम गरम मजबूत हिसार में खड़ा फरमाइश करने लगा था रात की तारीकी में गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी आगे वाली गाड़ी में उस शैतान के हसार में पड़ी शहजादी अपने शहजादे की सहर अंगेज बातों में खोई हुई थी जबकि पीछे आती गाड़ी में वो नादान थी जिसे लग रहा था उसने अपनी बहन का दिल दुखाया था और आज वो खुद जो अपनी बहन पर बीती खुद पर झेलती उसकी तकलीफ महसूस कर रही थी कि वो कहाँ से आई थी और उस हूर ने क्या किया था जिस पर नूरुल एन ने मनहूस डायन का धब्बा लगाया था एक मासूम अंधेरों की हूर पर और खुद उजालों का नूर होकर सबको निकल गई दाद कौन था और ये एजेंट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि उसने अपने हाथों से ताया ताई बी को मारा है अपनों पर ना यकीन करते गैरों की मौत खाई है उसने बेवकूफ़ी में अपने मजाजी खुदा से कुछ भी पूछे बगैर उसके गिर्द दायरा हैवान का बना डाला वहीं चंद आंसू दाद पर भी गिरे कि उसने इस लायक ना समझा कि उसे जरा सा सच ही बता देता तो आज ये कहर ना टूटता सपर आलिफ वो गाड़ियों में बैठे उसके पीछे थे जबकि बुरहान हाथों में गन पकड़े उसके पीछे भाग रहा था और दाद उस तंग सी गली में भागता वक्तन फवक्तन फा फायर्स भी खुद का बचाव कर रहा था दाद मेरी बात सुनो एक बार रुको और मुझे बताओ दाऊद बुरहान उसके पीछे भागता हुआ धाड़ा पर वो खुद पर कहां भरोसा कर सकता था जो उस पर करे अगर वो कह देता कि वो सीक्रेट एजेंट है तो क्या उसके दुश्मनों तक ये बात नहीं पहुंच जाती क्या जो अभी अपनी आंखों से देख रहा है वो फिर देख पाता क्या उसकी ड्यूटी रहती इसके बाद क्या इस फर्ज के छिनने के बाद से वो आलिफ रहता फिर क्या उसने कम चोट खाई थी अपनी मोहब्बत के हाथों इतना गहरा वार किया मासूमियत की मौत दी उसे उसने सोच लिया था दाद अब कभी जिंदा नहीं रहेगा उसने हमेशा उसकी मोहब्बत को इग्नोर किया बुरहान उसके भाई को चाहा, उसके बाद भी दाऊद ने उससे ही मोहब्बत करना नहीं छोड़ी और वक्त पर उसे समेट भी लिया अपना नाम देकर पर उसे नहीं मालूम था कि वो उसे नापसंद नहीं इस कदर नफरत भी करती है उसने अपने ही दाऊद को कांच के टुकड़ों की तरह बखेर दिया था चंद लम्हों का इंतजार नहीं किया था इतना यकीन नहीं था उसे दांत पे ना सही अपने पर ही सही मुझे माफ करना भाई आपका दाद कभी गलत काम नहीं कर सकता नम आंखों से कहते, गलियों के खत्म होने पर रोड पर भागते पुल पर चढ़ा और एकदम छलांग लगाकर पुल के नीचे बहते पानी में खुद को फेंक दिया बुरहान का सीना मुंह को आ गया दाद वो बिफर कर धाड़ उठा और ग्रिल से नीचे झांककर कर स्याही में उस बहते पानी को देखा दाएं बाएं से पुलिस की गाड़ियां जमा हो गई जबकि वो साकित सा झुका खड़ा था सर आर यू ओके कई बार पुकारने के बाद नाकाम होते अरमान ने जुरत करते उसके कंधे को झोड़ जो जो कर उसे होश दिलाया पर वो कहाँ होश में था उसे लगा वो पागल हो गया है कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी सबके सिर्फ मुंह हिलते देख रहा था जबकि उसका दिल फट रहा था और वो पागलों की तरह कभी पानी को देखता कभी उन्हें कि उन्होंने देखा क्या सच में उसका दांत गिर गया अंदर सर चले आपके घर पर अटैक हो गया है कमिश्नर ने सारी फोर्स को वापस बुला लिया था और जो रुके थे उन पर अटैक हुआ है कुछ देर पहले एसएचओ की कॉल आई थी वो अर्जेंट आपको बुला रहे हैं अरमान ने नजरें उसके चेहरे से हटाते हुए कहा क्या बकवास कर रहे हो नेवी को बुलाओ अभी मेरा भाई नीचे गिर गया है वो घुरया उस पर कि अरमान खाफजदा हो गया वो हम संभाल लेंगे सर आप जाए आपकी फैमिली अकेली है अरमान ने समझाते हुए कहा कि बुरहान के सामने वो रोड अटैक अपने माँ बाप फैरी और नूर हूर की तस्वीर लहराई वो चौंक गया और दूसरे ही पल उन्हें वहाँ के ऑर्डर्स देते गाड़ी में बैठा जबकि दिमाग में अरमान की बातें थी कि कमिश्नर ने क्यों ऑफिसर्स बुलवा लिए थे उसके घर से जिन्हें वो पहरे के लिए छोड़ आया था उसकी धड़कनें बेतरतीब थी हर तरफ वहशत ही फैलती नजर आ रही थी आखिर यह अचानक क्या हो गया था उसके चाचा चाची का मरना गायब होना फिर सालों बाद दाद को मिलना आखिर दाद को ही क्यों मिली और उसने कैसे यकीन कर लिया कि वो सच में अपने दोस्तों के लिए गया था हॉस्पिटल जहां उसे हुए मिली और उसने इतनी जल्दी पहचान भी लिया जबकि वो जख्म जख्म चूर उसकी हड्डियां बनी हुई थी मुझे ब्लाइंड ब्यूटी दो रईस समान की आवाज सरसराती हुई कहीं दूर खाई से सुनाई देने लगी मैं ब्लाइंड ब्यूटी नहीं हूं पापा एक गुटी गुटी आवाज साथ ही आई क्या सैड और हूर को दहशत गर्द लेकर गए थे वो बेख्याली में खुद से सवाल करने लगा क्या रईस समान किंग का आदमी कहर समान है क्या उसका भाई दहशत गर्दों से लड़ता है मुस्कान आरब आलेफ एन, सबकी एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। सोचो में गुम उसकी गाड़ी अलविवि के सामने रुकी फैली फिजा सजे फूलों की नहीं सुर्ख खून की बू उसके नथनों से टकराई गाड़ियों के हॉर्न बूटों की धमक रेंजर्स फौज घर को पूरी तरह घेरे वहां जमे भीड़ को दूर कर रहे थे क्या कयामत आई है वो कुछ भी ना समझते हुए बुढ़ और गाड़ी से निकलकर सामने आया जिसे देखते ही लोग साइट होते गए बल्कि आवाजों के शोर में सबके कैमरे का रुख उसकी तरफ था हौसला रखना एसपी बुरहान अलबी डीआईजी ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा उसने देखा और झटक दिया किस बात का हौसला वो क्यों रखे हौसला उसका भाई मिल जाएगा उसके माँ बाप बेटी सब ठीक है फिर कैसा करते वो आगे बढ़ते हुए दमागी तौर पर गैर हाजिरी से लाशें देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ खून की बू ने उसकी हवाओं का सर झोंका वहशतनाक हो गया आस पास हथियार लेस अनजान लोगों के साथ उसके ऑफिसर्स पड़े थे जबकि एसएचओ की लाश सफेद फर्श पर पड़ी मिली कुछ पल थम कर उसकी खुली आँखों में देखता उसके में लगी गोलियों को देखा और लहू फिज़ा में एक गहरा सांस भर कर आगे बढ़ा जबकि पीछे सब उसके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे उसकी हिम्मत उसकी ईमानदारी उसके प्रमोशन किस काम के बुरहान अलवी जब तुम अपनों को ही ना बचा सके अंदर से एक थकी सी आवाज़ आई वो निढाल हो गया ऐसा कुछ नहीं मेरे अपने सब ठीक हैं, बाबा कहीं फिजा में सिसकती सरगोशी हुई वो चौंक उठा और सीढ़ियां चढ़ते अपने रूम को देखा जिसे वो बंद करके गया था वैसे ही बंद था तो वो आवाजें कौन दे रहा था सिसकते कौन पुकार रहा था उसे या ला मेरी मासूम फेरी पर आंच भी ना आई हो बगैर जबान हिलाए दिल ने सदा लगाई उसके बूच में मुकीद मन मन भर के कदम उस खुले खून आलूदा किसी हॉरर मूवी के सीन वाले दरवाजे के सामने रुके और पल के लिए आंखें मीच कर आयतल कुर्सी पढ़ते उसने नजरें उठाई सईर हमारी बात सुनो हम आपको आपकी बीवी सही सलामत लाकर देंगे तुम कुछ मत करना वरना सब बिगड़ जाएगा देखो वो सिर्फ एक जान है जबकि उन दहशतगर्दों के सामने हजार जाने हैं तुम्हारी जरा से एक्शन पर किंग बदगुमान हो जाएगा तुमसे और वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा ब्रिगेडियर उसके सामने खड़ा उसे समझा रहा था जबकि वो भी खामोश एक हाथ में पाजे पकड़े दूसरे में मोबाइल थामे खड़ा था ब्रिगेडियर की बात पर हल्का सा हंसा मेरी शहजादी एक जान है वो बुढ़ कर मोबाइल का बटन दोबारा पुश करने लगा जिससे वो सारा खेल समझा था कि शहजादी को उसके आलिम से दूर करने वाले उसके अपने ही थे रूम की फिजा में बार बार आवाज़ गूंज रही थी वो कुछ यूं कह रहा था बीस्ट क्यों लड़की के पीछे अपना नाम खराब कर रहे हो तुम खुद को देखो तुम क्या हो तुम्हारी एक धाड़ रूह वना करती है और तुम सरगोशियों में एक लड़की के सामने बातें करते हो जाओ किंग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है सिर्फ किंग ही नहीं अब हजारों तुम्हारे इंतजार में हैं। हमसे दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा ब्यूटी मेरी थी और उसे मैं ले गया तुम्हारी इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी मैं इतनों के बीच उसे ले गया क्योंकि बीस्ट सिर्फ मारने के लिए है बचाने के लिए नहीं तुम्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है भूल गए तुम्हारा वो पहला कत्ल हाँ हाँ हा, हा, हा। लोगों के दिमाग से खेलता हूं फिर कैसे बच सकते थे मुझसे कैसे मेरी ब्लाइंड ब्यूटी को अपनी शहजादी कह सकते थे वो अब मेरे मेरे पास है, मेरे सीने से लगी हुई सो रही है गहरी नींद में अपने कहर की आगोश में हमारा कोई झगड़ा नहीं है तुम खुद मेरे रास्ते में आए हो मुझसे मेरी ब्यूटी पहले तुमने और फिर किंग ने छीनी थी मैं दिन रात एक कर करके उसे हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था सख्त से सख्त कि वो जल्द अज जल्द तैयार हो जाए और मुझे मेरी ब्यूटी मिल जाए पर किंग फिर तुमने मुझसे छीन लिया उसे बहरहाल मैंने अपनी ब्यूटी वापस ले ली है और वो दूसरी लड़की हाँ इनोसेंट ब्यूटी हाँ 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 सीक्रेट एजेंट दाऊद आलिफ उससे कहना बीस्ट कि बीवी की है पी जश्ने आजादी तमस्कुर से कहते वो हंसा था उसके बाद रूम में वापस सकू छा गया बुरहान के लबों पर तलखी छा गई और वो चलता हुआ अपने माँ बाप के पास घुटनों के बल गिरने के अंदाज में बैठा माँ को तो वो पहचान गया था पर बाप उसका तो चेहरा मसल दिया था उस हैवान ने आंसू उसकी आंखों से गिरते गालों पर फिसल गए और हाथ बढ़ाकर फटते के साथ अपनी मां की खुली आंखों पर रख दिया मर्द इतने मजबूत क्यों होते हैं वो ऐसी सूरत हाल पर भी आंसू बहाकर खुद को संभाल लेते हैं हालांकि बुरहान का दिल दुआ मांग रहा था कि उसका दिल फट जाए वो पागल हो जाए या कोमा में चला जाए ताकि ये मंजर ना देख सके आई एम सॉरी अम्मी अबू वो भारी आवाज़ में सरगोशी से बोला और अपने बाप के सर को सीने में छुपा लिया साथ ही अपनी माँ को भी हसार में ले लिया और बे आवाज़ रोता रहा उसकी नज़रें सामने बेजान पड़ी बी जान पड़ गईं कितनी ही हसीन यादें जुड़ी थीं उस ममता भरे वजूद के साथ बेगर्ज बेमतलब के उसके उसने दोनों बहनों को चाहा था वो हैरान नहीं हुआ था कि इतने ऑफिसर्स के सामने उसे बीस्ट कहा जा रहा था और कोई कुछ नहीं कह रहा था बल्कि उसकी खामोशी से परेशान थे वो दुख में था कि उसके भाई ने कभी उसे अपना समझा ही नहीं था अगर समझा होता तो आज वो एक हथियार होते दुश्मन का सीना चीर देते पर आज वो उनके पीछे नहीं सैयद, बुरहान आलिफ आरफ मुस्कान सब उन दहशत गर्दों की गर्दन पर पांव रखे खड़े होते ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाते सब कुछ गंवा दिया था खाली हाथ बैठा था अपने माँ बाप की लाशों के सामने आलिफ कहाँ है एस पी की सख्त पकड़ में मौजूद उसने नूरुल ऐन की नादानियों को मिटाया पर जानता था फिर भी वो आलिफ से नहीं बच पाएगी उसकी भारी सर्द आवाज पर बुरहान ने गर्दन उठाई और उसे सपाट चेहरे को देखा नहीं पता वो कहकर अपनी मां के सर पर बोसा देने लगा जबकि वहां एक मजबूत एसपी को अपने माँ बाप के लिए रोते देखकर किसी में उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कहाँ जा रहे हो सैर मत भूलना कि हमें किंग जमान जिंदा चाहिए आपने वादा किया है हमसे ब्रिगेडियर ने उसे अकेले जाते देखकर गुस्से से जताया सई ने गर्दन घुमा कर लहू होती भूरी आंखों से देखा जिसमें एक हैवान सांसें ले रहा था शर्त ये कि मेरा बच्चा और शहजादी को कुछ ना हो अगर उन दोनों को जरा सी भी तकलीफ आई तो बीस्ट को भूल जाना कि वो किसी की मदद भी करता है वो कहता वहां से निकल गया उसके पीछे ब्रिगेडियर के इशारे पर शहर भागा क्या घर में सिर्फ यही थे फैमिली में अब उनका रुख बुरहान की सिम था जबकि काफ़ी ऑफिसर्स बाहर भागे थे सईद के पीछे फैरी वो बौखलाया हुआ उठा वहाँ मौजूद ऑफिसर्स उसकी बौखलाहट खौफसदा चेहरे को देखते चौंक उठे क्या कोई और भी है इस घर में यह आवाज़ सरसराती हुई उसके पीछे से आ रही थी पीछे डीआईजी की आवाज़ को इग्नोर करता वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ फेरी बेड खाली देखकर वो तड़प उठा फैरी बाबा आए हैं बाबा की जान आवाज तो बाबा को बाबा बहुत अकेले हो गए हैं वो नम लहजे में तड़पता उसे बुलाने लगा बेड के नीचे बालकनी में ढूंढा पर वो नहीं थी फैरी अब तू मुझे सताओगी बाबा को सताओगी जो पहले ही मरने के करीब है वो दर्द से बोला उसके जिस्म का पूर, पूर जख्म से चूर था ऐसा लग रहा था जैसे किसी जहरीले खंजर से काटा गया हो वो सारे रूम को देखता बाथरूम के पास आया और डरते हुए दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल होते ठंडी सांस भरी पीछे दरवाजे पर अफसोस से बुरहान की पुश देखते ऑफिसर्स खड़े थे फैरी सामने ही टब में बैठी फैरी को देखते वो भाग कर उसके पास पहुंचा फैरी फैरी मेरी जान उसके वजूद को पानी से निकालते वो बाहर आया और बौखलाया हुआ बेड पर डालते ऊपर ब्लैंकेट डाला फैरी बाबा आ गए हैं मेरी जान आंखें खोलो अगर तुम्हें कुछ हुआ तो बाबा जी नहीं पाएंगे फैरी वो तड़प कर रोता हुआ उसके वजूद को सीने में भीग चुका था जबकि ऑफिसर्स ने देखते ही फौरन डॉक्टर को कॉल की बेटा देखो मामा आ गई मुस्कान अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सच में मेरी मुस्कान रूट जाएगी मत करो ऐसा अपनी आंखें खोलो बाबा की जान वो उसके छोटे से वजूद को सीने से लगाए सिसकता हुआ कह रहा था जबकि कुछ देर पहले की सूरत हाल से घबरा कर जो बाहर भागना चाहती थी पर दरवाज़ा लॉक देख कर अंदर बाथरूम में आवाज़ों से छुप कर बैठी थी टब में कि कमाल साहब की धाड़ें सुनकर वो खौफ से बेहोश हो गई थी बुरहान ने खौफसदा होते उसकी धड़कनें सुनी तो जो मध्यम सी चल रही थी उसने गहरा सांस भरा और ऊपर आंखें मींच कर शुक्र अदा किया कि पलकों का बाढ़ तोड़कर आंसू उसकी बड़ी हुई शेप में गायब हो गए मेरी बेटी मेरी दुनिया मेरी जिंदगी रब की रहमत मुझे मालूम था तुम कभी मुझे ज़ख़्म नहीं दोगी वो झुका उसके गालों आंखों माथे के बो से लेता आहिस्ता से ब्लैंकेट में लपेटे वजूद को बाहों में भर लिया कुछ ही देर में वहां डॉक्टर्स पहुंच गई जो मुस्कान का चेकअप करती उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गई क्योंकि उसकी धड़कनें काफी मध्यम चल रही थी वो जिंदगी से हाथ भी धो सकती थी उनका कहना था कि उस हादसे ने बच्ची के दिमाग पर काफी असर डाला है वो अकेली इस सूरत हाल में खौफजदा हो गई और उसका उसके दिमाग पर असर पड़ा है नतीजतन कुछ भी हो सकता है वो मशीनों में जकड़ी हुई थी जबकि बुरहान उसके वजूद पर थकी नजर डालता तन्हा फेरान खड़ा था मिसी कहाँ गई हो यार दीवार से सर टिकाए भीगी पलकों से उसने उस दुश्मन को पुकारा जिसे खुद ही घर से निकाला था बहुत थक गया हूं यार जरा सा अपना कंधा दे दो वो तो बुड़बुड़ाया पर उसे कहाँ आना था सो वो आई भी नहीं बुरहान अलवी खामोशी से राह तकता रह गया फेरी, तुम्हारी मम्मा बहुत धोखेबाज पास है गद्दार है मुझ पर हक तो कहती थी पर कभी जताया नहीं ना ही उसे इस्तेमाल किया सर आपका भाई नहीं मिला अरमान ने सल्यूट करते कॉरिडोर में बैठे बुरहान से कहा वो खाली नज़रें अरमान पर डाले रह गया कैसे मिलेगा वो ही नहीं आ रही अभी तक हालांकि उसकी बेटी मशीनों में जकड़ी हुई है वो बुढ़ कर विंडो के पास आ गया और नम आंखों से अपनी बेटी के छोटे से वजूद को देखा अरमान हैरत से उसकी चोरी पुश्त पर नज़रें डाले खड़ा था शायद वो इतना गमगीन अपने भाई के नाम मिलने पर भी नहीं हुआ था सो so, मेरे अजीज लिस्नर्स दैट वॉज द एंड ऑफ एपिसोड थर्टी वन ऑफ़ द नावल दशत वहशत है महविश अली हो दैट यू लाइक इट मुझे उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा आपके कमेंट से भी अंदाज़ा होता रहता है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट्स हाउ यू कैन इनक्रेज मी अपना बहुत ख्याल रखिएगा तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़